सूरत डायमंड्स के लिए जाना जाता है, और आप ये जानते हैं कि 90% डायमंड जो पूरी दुनिया में बिक रहे हैं वो कहीं ना कहीं से सूरत से निकलते हैं। और सूरत की डायमंड इंडस्ट्री को जिन्होंने, मैं कहूंगा, पहली नींव रखी है, जो सूरत की डायमंड इंडस्ट्री के गॉड फादर रह चुके हैं, कि जिनका आज US डॉलर्स के अंदर साल का जो रेवेन्यू है वो 1.8 बिलियन डॉलर्स का है, हर साल का रेवेन्यू। कि जिन्होंने डायमंड इंडस्ट्री में कितने सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, कितने सारे लोगों की जिंदगियां बदली है, कितने सारे लोगों के करियर्स बनाए हैं। दोस्तों, ऐसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी को हमें मौका मिला है कि आज हम स्टेज पर ला सके, हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? आप गेस कर सकते हैं कौन है वो। दोस्तों, हेल्प मी वेलकम श्री गोविंद भाई ढोलकिया जी ऑन स्टेज। प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवति अष्टादशाध्यायिनी मम्बात्वा मनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वैष्णी कृष्ण कन्हैया। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज आओ पधारो। श्री स्नेह भाई, सुनील भाई एंड सुनील भाई अने दीपक भाई साथे पूज्य गौर गोपाल जी पण आजे आ बधानु जे स्टेज छे एमा आवो गामडियो गोविंद ये गोविंद काका ने पण स्थान मळ्यु छे ए बदल हुं गौरवनी लागणी अनुभवु छु। स्नेह भाई के थोड़ू हिंदी में, पूरा हिंदी बोलेंगे। क्योंकि मैं गामड़िया गोविंद इसलिए बोला कि मैं गांव में सौराष्ट्र में दुधाला, 700 की आबादी, माटी वाला गांव, इसमें मेरा जन्म हुआ। गांव में 104 स्कूल थी, 5-6-7 में लाठी तालुका में पढ़ाई की विथ वॉकिंग, नंगे पैर, क्योंकि ये पैर ने 11 साल तक चप्पल नहीं देखा। और आई एम स्टडी ओनली 7 बट नॉट गिविंग 7 एग्जाम ऑल्सो, आई एम सर्टिफिकेट ओनली 6। भगवान की कृपा से मैं 13 साल की उम्र में सूरत आया डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए। तभी सूरत में डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग करने वाला वर्कर ओनली 200, टुडे नियर टू 1 मिलियन। वाह। मैं जब सूरत में आया तो सूरत इंडिया का डायमंड का एक्सपोर्ट 7 करोड़ का था, जो आज 2 लाख करोड़ का है। तो मैं सूरत बढ़ने में साक्षी हूं। मैं 1964 में सूरत आया, 59 years ago।
तभी सूरत का पॉपुलेशन था 2,75,000, 3 लाख का नहीं था, आज 8 मिलियन, 30 टाइम सूरत, नॉट 30%, 30 टाइम सूरत मैंने बढ़ते देखा है। आप सबके सामने मैं जो खड़ा किया स्नेह भाई ने, तो मैं ऐसे प्रवचन तो देता हूं और बोलता हूं, मगर मैं सत्संग करता हूं, लेक्चर नहीं देता। सत्संग में बात होता है आपस में, जैसे अभी सुनील भाई ने किया, उनको बोलते हैं सत्संग। तो ये जो लड़का था गांव का, ये भगवान की कृपा से आज 5 बार IIM अहमदाबाद में विद्यार्थी के साथ सत्संग करके आए हैं। IIT दिल्ली में, सिंबोसिस पुणे में, तो भगवान की कृपा से मेरे को क्यों सुनते हैं ये मेरे को मालूम नहीं है। अनपढ़ लोग को पढ़े हुए लोग क्यों सुनते हैं मेरे को वो भी प्रश्न था कि मैं कैसे सफल हुआ बिजनेस में। मेरी 5 एजुकेशन नहीं है, मैं किसान पुत्र, खेत में काम किया, खेत में ही रहा, 2 बार मेरे को बिच्छू काटा है खेत में रहने का, और हमारा घर में गांव में कभी भी ऐसा समय नहीं होता है पूरा दिन में कि हमारे घर में ऊपर सांप नहीं घूमते नजर में आवे, क्योंकि गांव में उंदर बहुत रहते हैं, वो उनका खोराक होता है। तो बिल्ली और सांप हमारे घर में परमानेंट हमारे साथ ही रहता था। ये गांव का जीवन, आदिवासी जीवन, जिनको ये करके एक गोविंद काका को कैसे ये सब मिले, 6 आने में 37 पैसे में गांव में लाठी में लंच लिया, 3 रोटी दाल भात चाक लिमिटेड, 37 पैसे में, और 97 में मैं मॉस्को गया, वहां डिनर लिया $325 का, 20,000 का, तो 20,000 का डिनर भी लिया है, 37 पैसा का लंच भी लिया है। मैं खेत में भी सोया हूँ वो बिच्छू के साथ, सांप के साथ सब, और दुबई में अल बुर्जा में 2.5 लाख के रूम में भी रहा हूँ। और मैं एक चीज जोड़ दूँ, आज भी गोविंद काका चाहे महल जैसा घर हो, रिजॉर्ट हो, आज सब कुछ सुख सुविधाएं है, लेकिन आज भी खुले में खाट में सोना आप पसंद करते हैं। जय हो, धन्यवाद, थैंक यू। पधारो, आओ आपड़े चर्चा करिए, सत्संग करिए, मजा आवशे। नहीं जरूर पड़शे तो बेच। भले 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 नहीं, ये स्नेह भाई ने इसलिए, उनको मेरी दया आई, क्योंकि मेरा कमर का प्रॉब्लम है, तो जब कमर में पेन होता है तो डॉक्टर ने बोला जब भी पेन हो उसके सामने नहीं जाने का, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे उनको मालूम है, तो जब भी थोड़ा भी पेन हुए आपको बैठ जाने का, तो पेन कभी होवे ही नहीं, इसलिए वो मेरा फेवर करके बोल रहा। मैं बात करता था कि देखो मित्रों, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, कैसे हम प्रगति करें, कैसे आगे निकले, कैसे हम ज्यादा पैसा बनावे, तो उनके बारे में मैं मेरा एक्सपीरियंस जो जीवन जिया है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसा ही सुख देता है, उससे गलत दूसरी कोई बात ही नहीं है। पैसा ही सुख देता है, इससे कोई गलत बड़ी बात नहीं है। पैसा चाहिए, पैसे जरूरत है, पैसा है वो साधन है, वो साध्य नहीं है, साधन जरूरत है। आज पैसा था मेरे पास, कार थी, मैं घर पे यहां कार में आया,
मगर अगर पैसा कम होता और मैं यहाँ रिक्शा में आता तो मेरा कुछ बिगड़ नहीं जाता। ये सोच अगर हमारी पास है तो हमारा सुख ही सुख है। हमारे वहां सुधा मूर्ति जी आए थे तो हमारा पौत्र ने मैंने पहचान करवाया कि मित्रों हमारा पूरा फैमिली बैठा था कि ये सुधा मूर्ति जी 300 रुपया की साड़ी पहन के आई है, आपको मानता है कि हमारी जैसा कोई सामान्य है, मगर हमारी पास जितनी मूड़ी है पूरी कंपनी की इतना तो वो हर साल चैरिटी करती है। और हमारी पांच 6,000 लोग है तो हम मानते हैं 6,000 लोग हमारी, उनकी पांच 5,00,000 लोग है। तो हम सबको बताया तो हमारा एक पौत्र ने जोर से बोला, ओ आंटी आंटी आपकी पास कौन सी कार है? वो बोली सांट्रो। ओ सांट्रो है? तो वो बोली क्या वो सांट्रो मेरे को घर से ऑफिस नहीं ले जाएगी, मेरे को दूसरा काम क्या है? तो ये सुख का एड्रेस है। सुधा मूर्ति ने जो आंसर दिया वो सुख का आंसर। भगवान की दया से देखो हमारी पास आप जो भी नाम बोले कार का वो कार हमारी पास है, क्योंकि मोर देन हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड कार है। तो कोई भी हमारी पास प्लेन है तो सब कुछ होने के नाके में हमारा भतीजा सब बच्चे को समझाता हूं कि ये सुख का एड्रेस नहीं है, वो हमको सगवड़ता देता है। हमारी सब कार में सबको दिखाता हूं पूरा फैमिली को मिलके, मैं बोलता हूं कि रोल्स रॉय पैटसन क्या बोलते हैं भाई पैटसम ऐसा कुछ है देखिए दो फरारी है दो भाई कई से बोली तुम्हारी बैटली रेंज रोवर रेंज रोवर कोई भी कार आप जो ना वो है, मैं सबको समझाता हूं ये सुख का एड्रेस नहीं है, सुख का एड्रेस हमारा फैमिली है। अगर ये सुख का एड्रेस होती तो हम उनको हॉल में नहीं ले जाते, उसको क्यों हम यहां रखते पार्किंग में रखते हैं। अगर कार में सुख होता है, अगर कार में ही सुख होता है तो हम बेडरूम में नहीं ले जावे। कोई कभी कार को बेडरूम में ले गए? क्योंकि सुख का सरनामा हमारा फैमिली है। क्या बात है, क्या बात है, परिवार। ये बोलने से नहीं मित्रों, मैं थोड़ा आगे जाऊं, उबर उबर कितना मिनट हो गया और कितना मिनट बाकी है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम किसी को परेशान नहीं करेगी, जितना मिनट बाकी है इतना बोल दो, इतना खत्म कर दे। दस ए भाई फैमिली फोटो बताओ, अभी बाद में मैं फैमिली के बात करता हूँ, एक फोटो दिखा दे। तो मैं यही बोलता हूं कि संपत्ति है वो खाली साधन है, जीवन नहीं है। जीवन हमारा स्वभाव है, अगर हमारा स्वभाव अच्छा होगा पूरी दुनिया हमारी होगी। अगर हमारा स्वभाव कर्कश है और देखो कि नेगेटिव है तो सुख नजदीक भी नहीं आएगा। मैं डोंगरे जी महाराज की कथा में पहली बार 68 में, तब मैं वर्कर था क्योंकि आई एम वर्किंग इन 6 ईयर इन फैक्ट्री, फर्स्ट माई सैलरी 103, लास्ट सैलरी 600, आफ्टर वी स्टार्टेड फैक्ट्री 3 फ्रेंड विथ 5,000 रुपीज। और आज आपने सुना कि हमारा ये 14,000 करोड़ का सेल है, 1,000 करोड़ का ज्वेलरी, 15,000 करोड़ का कारोबार है। तो 15,000 करोड़ का ये सब कीमत हो गई, तो हमारी जो कंपनी है वो कीमती तो है
मगर उनसे अनेक गुनी मूल्यवान है। कंपनी में मूल्य क्या है? हमारे 6,000 लोग, कल सऊजी भाई आया था ने, उनका 6,000 लोग, हम चाचा भतीजा है, 12,000 लोग हमारे वहां निर्व्यसनी है, नो गुटका, नो टोबैको, नो सिगार। हमारी कंपनी का सेंटेंस है, आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो। ये कंपनी का मूल्य है। हमारा 14,000 करोड़ का, सऊजी भाई का 12,000 करोड़ का हमारा काम है, तो हम लोग का ऑनलाइन बिजनेस है। 14,000 करोड़ में से 13,000 ऑनलाइन बिकते हैं, देखे बिना लोग हमारा डायमंड लेते हैं, ये कंपनी का मूल्य है। देखो ये जो फैमिली की मैंने बात की, जो पालन नहीं करके करते उनको बोलने का अधिकार नहीं है, ये डोंगरे जी महाराज बोलते थे। तो ये हमारा फैमिली है, एसआर के फैमिली नहीं है, हमारा फैमिली दौलत क्या फैमिली है। तो आपको मैं समझाता हूं कि ये मेरा ग्रैंडफादर है कांजी दादा, और उनका 4 बेटा, वो मेरा फादर है, और 2 बहना, 6 फैमिली, 6 जनरेशन, उसमें 1,229 तीतर लोग है, 1,269। और सऊजी भाई यहां है, ये सऊजी भाई का फोटो है। तो सऊजी भाई सबसे मेरा जो फादर बड़ा है उनका पौत्र है, 4 नंबर का जो है उनका मैं बेटा हूं। तो ये बात है फैमिली का। ये जो सुख का एड्रेस है ने वो है, ये कैसे बना? डोंगरे जी महाराज बोलते हैं कि जिसको भाई में भगवान नहीं दिखते वो देश सेवा और देव सेवा नहीं कर सकते। अगर कोई भाई को छोड़कर कोई देव सेवा के देश सेवा करता है तो उनकी भक्ति नहीं है, ब्राह्मणा है। ये डोंगरेज महाराज का सेंटेंस है। तो जब मैं पहली बार 1977 में बेल्जियम गया, मैंने बोला ये भी एक दुनिया है, क्योंकि गांव में तो ऐसा था कि 50 किलोमीटर इधर 50 किलोमीटर उधर, इतना ही दुनिया होगा। फिर सूरत आया और बड़ी दुनिया देखी, बंबई गया और बड़ी दुनिया देखी, बेल्जियम गया तो हो इतनी बड़ी। फिर मैंने सोचा मैं अकेला अगर इतना बड़ा हो जाऊं, मेरा सब भाई है, ब्रदर सिस्टर ये सब लोग पीछे रह जाए, गांव में रह जाए, और उनके वहां मैरिज आवे, मेरे पास 2-5 लाख रुपया मांगे, मैं उनको बेचार अब दू, ये नहीं करना चाहिए। तो सब मेरे साथ खड़ा रहे, ऐसा प्लान प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो मेरा जो ब्रदर गांव था, पहले 2 ब्रदर को लाया, सब मिलके भाई दूसरा कजिन को उपाड़ो, कजिन को हर साल 2-3 ग्रुप बनता था, और एक एक को कैसे आगे निकालने का, कोई डायमंड दे, कोई उनको मानो के नॉलेज देवे कैसा करने का। ऐसे करके हमने, हम काका दादा का 17 ब्रदर, 13 सिस्टर, 30 भाई बहन, सबको 2000 में 30-30 फैमिली का खुद का बिजनेस, खुद की कार और खुद का बंगला, ऐसा करके हम सब हमारी साथ बैठ सके, हमारी साथ रह सके, किसी को बेचारा नहीं बनना पड़े, ये सिचुएशन किया, इसलिए ये सब साथ में बैठ सकते हैं। मेरा स्वभाव पॉजिटिव है, इसलिए मैं बात आपको बताऊंगा तो आपको भी उसका जरूर असर होगा, क्योंकि मैं पालन करके बोलता हूं इसलिए आपको असर होगा। मेरा वाइफ अनपढ़ है, वो
श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर है, पहले पार्टनर था अभी डायरेक्टर है। तो अभी क्या हाल मालूम नहीं, पहले 10 साल ऐसा गया कि सूरत में रिचेस्ट लेडी इज माय वाइफ चंपाबेन, यही स्थिति है। वो अनपढ़ है, मैं 7वीं तक पढ़ा हूं, मगर आपको जान के आनंद होगा कि सुख कहाँ है। हमारी शादी को 52 ईयर्स हुआ, आंटी के साथ हमारे दोनों को एक भी बार झगड़ा नहीं हुआ 52 साल में। अभी आप लोग करेंगे, आपको सुख चाहिए, सुख तो लेट गो करना पड़ेगा। हम भगवान नहीं है, ये सृष्टि हम नहीं चलाते, सृष्टि चलाने वाला कोई और है, उसके ऊपर विश्वास रखो और सहन करो। जो सहन करता वे वो ही सुखी होता। मैं क्रोध के लिए 20 मिनट का सेशन करता हूं, तो ये तो अभी हो नहीं सकता, मगर मैं इतना आपको मैसेज दूं कि मैंने 40 साल से क्रोध नहीं किया। और मेरे को भी प्रॉब्लम तो आता होगा ना, गवर्नमेंट का, 6000 लोग का, बिजनेस का, इंटरनेशनल मोर देन 100 कंट्री में एक्सपोर्ट है, तो प्रॉब्लम तो आता ही होगा ना, मगर प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। प्रॉब्लम आना ही चाहिए। महाभारत में कुंता जी ने भगवान से मांगा था, हम मांगते नहीं क्योंकि हम इतना महान नहीं है, मगर अगर आवे तो उसको वेलकम करने का, अगर प्रॉब्लम आएगा तो हम थिंक करेंगे कि उसको निकलने के लिए क्या करें, हमारी सोच बढ़ेगी, हम बड़ा हो गए और उसमें निकल जाएंगे। तो प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस, ये मैं आपको मंत्र देता हूं। और ज्यादा बहुत कुछ कहने का होता है, मगर मैंने बोला कि समय किसी की राह नहीं देखता, और समय को जो नहीं पहचान सकते वो भगवान को कभी पहचान नहीं सकते। तो हमारा समय खत्म हुआ, हम आपसे कभी भी भगवान की कृपा से ऐसा कोई सिचुएशन आया तो मिलेगा। यहाँ ये स्नेह भाई, सुनील भाई और सब उनकी टीम ने हमको बुलाया, गेस्ट के हिसाब से इतना मान सम्मान दिया, उनके लिए हम उनका भी ऋणी रहेंगे। और फिर से आप सब लोग को इतना उत्साही और सात्विक लोग को हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। सुनील सर, प्लीज प्लीज कम, प्लीज कम। दोस्तों, गोविंद भाई ढोलकिया जी की जो किताब है उसका टाइटल बहुत अमेजिंग है, डायमंड्स आर फॉरएवर। ये तो सारे लोग जानते हैं, डायमंड्स आर फॉरएवर, सो आर मोरल्स। ये स्नेह भाई, ऐसा हुआ कि अभी कोरोना आया ने तो 2 साल टाइम मिला ने, तो ये लिखने का टाइम मिला। सब लोग पहले से बोलता था, अच्छी बात ये थी कि मेरे पास 40 साल का डेली डायरी लिखा हुआ था, तो उसके आधार पर ये लिखा है। तो आप सबको प्रार्थना है, दूसरा करो या न करो, कुछ भी करो, मगर डेली आप कौन है वो पहचानने के लिए आप डेली डायरी लिखो। खाली 10 पॉइंट लिखो ना, ज्यादा नहीं, 3 मिनट में लिख लो, मगर आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। हम दुनिया का पिक्चर देखता है, हमारा नहीं देखता, हम हमारा पिक्चर देखना चाहिए। और आप जो देखते हैं, आपने सही बात बताया, वो धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा। आपके हाथों से आपकी किताब लेना चाहेंगे जो आपने हमारे नाम से लिखी हुई है, लाइए, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। हाँ, लाइए मुझे। जी जी, सुनील सर आइए सर।